व्हाट्सएप सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है, जिसमें हम मतलब मैं और आप भी हैं दोनों, हमारे लिए भी बुरी खबर है कि व्हाट्सएप पे आपके पुराने मैसेज डिलीट होने लगे ऑटोमेटिक। ये लोग काफ़ी अरसे मतलब काफ़ी दिनों से शिकायत कर रहे थे व्हाट्सएप के लिए, लेकिन अभी तक उनका कोई मसला हल नहीं हुआ। ये उनके मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने पहले कहा था कि आपके मैसेजेस गूगल ड्राइव पे सेव हो रहे हैं, मतलब हाँ सिर्फ उस सर्फ के मैसेज डिलीट हो सकते हैं जो कि एक साल तक अपना अकाउंट यूज़ ना करें, मतलब एक साल तक एक दफ़ा भी अकाउंट यूज़ ना करें तो उसके मैसेज डिलीट हो सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं कि आप एक दो तीन बार तो अपना अकाउंट चेक करें तो पिछले मैसेज है ही नहीं यार, ये तो बड़े टेंशन की बात है। लेकिन ये एक मसला है जो कि बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी। आप इसने मतलब व्हाट्सएप की तवज्जो भी हासिल कर दी है कि उसने देखा तो ये वाकई लोगों के मैसेज डिलीट हो रहे, उसने कहा कि इसमें हाँ ये वाकई इस तरह हो रही है, लेकिन इस पर अभी काम हो रहा है कि जल्दी आपको एक खुशखबरी सुनाई जाएगी। अब पता नहीं खुशखबरी क्या हो सकती है, लेकिन अभी तक जो लोगों का मसला है वो अभी हल नहीं हुआ। लोगों के मैसेजेस ऑटोमेटिक डिलीट हो रहे, कभी दो तीन दिन के पहले के मैसेज तो कभी महीनों के तो हो ही रहे, लेकिन कभी तीन दिन के मैसेज तो कभी आठ हफ्ता मतलब 10 दिन के मैसेज भी इस तरह लोगों के डिलीट हो रहे। लोगों की शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं, लेकिन अब इस व्हाट्सएप ने इस पर मतलब काम शुरू कर दिया कि देखते हैं कि क्या इस पर क्या मसला है।